बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर एजुकेरियंस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। फ्रॉम द एजुकेटर्स ऑनलाइन सपोर्ट सिस्टम, आई एम योर साइंस टीचर एंड टुडे आई एम हेयर टू डिलीवर द फाइनल टर्म लेसन नंबर 6 एंड टुडे आवर टॉपिक इज यूनिट नंबर 9। So the material required for this lesson is lead pencil, highlighter, ruler, blue pen, blue pointer, along with your science book, your science notebook, and you also need a winter bag that has been provided by the educators. So dear students, the unit number 9, reflection and dispersion of light. And in this unit, we will discuss today the total internal reflection, optical fiber, dispersion of light, rainbow formation, and pigments and filters. Learning outcomes. At the end of this lesson, students will be able to define total internal reflection, describe the dispersion of light by a prism, and also define rainbow formation and colored light. So dear students, now open your science book and come to page number 116. So first of all, you all will be write down today's task, date and day on this page. Okay, let's move to the reading, and the topic is total internal reflection. The inside surface of water, glass or other transparent material act like a perfect mirror. Means ke wo surfaces jo ke shiny smooth hoti hain, they are act like a perfect mirror because they depending on the angle, kyunki wo us angle pe depend karti hain at which the light strike it, jahan par light uske sath strike karti hai. So in a diagram you can see what happened when the angle of incidence inside a glass increases from 35 degree to 50 degree. अब यहाँ पर हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से एंगल जो है वो इंक्रीज हो रहा है 35 डिग्री टिल 50. At 35, most of the light gets out of the glass. अगर हम 35 डिग्री एंगल पर देखें तो लाइट जो है काफी हद तक ग्लास से बाहर हो चुकी है, so that it may be being reflected, फिर जाकर वो कहीं रिफ्लेक्ट होती है. At about 42 degree, अगर हम 42 degree पर देखें तो then the reflected ray just get out of the block. अब यहाँ पर जो reflected ray है वो block से get out हो गई है, but much more than the light is being reflected, और इस दौरान जो light है वो reflected हो जाती है. And this is the critical angle, कि मतलब कि 42 degree centigrade पर 42 डिग्री पर जब लाइट रेज रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करने के बाद जो एंगल बनता है उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं. एंड एट एंगल्स ग्रेटर देन 42 डिग्री, अब वो एंगल जो 42 डिग्री से ग्रेटर हो जाएगा और वहां पर जाकर जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो उस एंगल को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. So there are two conditions for total internal reflection. इसकी दो conditions हैं जिनको हमने mind में रखना है. So the first one is light rays travel from a denser to a rarer medium. इस चीज को सबसे पहले आपने mind में रखना है कि light की जो rays होती हैं वो denser medium से rarer medium में travel करती हैं. Second one, the angle of incidence of all the rays will be greater than the angle of their reflection. कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो दीज आर द टू कंडीशंस फॉर इंटरनल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 117 एंड हियर द टॉपिक इज ऑप्टिकल फाइबर्स. ऑप्टिकल फाइबर्स आर थिन फाइबर्स ऑफ ग्लास थ्रू विच लाइट कैन पास. कि ऑप्टिकल फाइबर्स ग्लास के ऐसे थिन फाइबर्स होते हैं कि जिनके थ्रू लाइट इजीली पास आउट हो सकती है. एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर, और जब ये बंडल्ड फॉर्म में हो जाती हैं तो देन यूज्ड एज अ लाइट पाइप, फिर हम इसको लाइट पाइप की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. ऑप्टिकल फाइबर्स कैन बी यूज्ड फॉर इंस्पेक्शन इनसाइड मशीन एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी. मीन्स कि अगर ह्यूमन बॉडी की इनसाइड में या किसी मशीन की अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है तो उस चीज के इंस्पेक्शन के लिए भी हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज कर सकते हैं.
दे कैन कैरी कोडेड सिग्नल्स एज अ पल्सेस, ये सिग्नल्स को पल्सेस के फॉर्म में यूज करते हैं, उसको कैरी करते हैं, एंड दे कैन बी चेंज्ड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, और फिर उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चेंज कर देते हैं। दे आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स, इसके अलावा टेलीफोन सिग्नल्स को भी ट्रांसमिट करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर्स यूज किए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द पेज नंबर 117, एंड हियर द टॉपिक इज पेरिस्कोप। अ पेरिस्कोप यूजेस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पेरिस्कोप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को यूज करता है इनसाइड ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर, एंड सम कैमरास आल्सो यूज प्रिज्म फॉर कैप्चरिंग इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन फिल्म। इसके अलावा कुछ कैमरास में भी प्रिज्म को यूज किया जाता है ताकि फिल्म में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके इमेजेस को हम कैप्चर कर सकें। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 118, एंड हियर द टॉपिक इज मायरेज। अ मायरेज इज एन ऑप्टिकल फिनोमिना दैट क्रिएट्स द इल्यूजन ऑफ वाटर, कि ये कैसा ऑप्टिकल फिनोमिना है कि जो वाटर की इल्यूजंस को क्रिएट करता है, ऑफन विद इन्वर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, चाहे कि वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लेस पर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम उसका इल्यूजन जो है वो वाटर में क्रिएट कर सकते हैं। इट इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये किस वजह से बनता है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से बनता है, बाय द ऑल्टरनेट लेयर्स ऑफ हॉट एंड कूल एयर इन अ डेजर्ट और एन हॉट रोड। When the sun is high in the sky, कि means के जब सूरज बहुत तेज high speed पर होता है हमारे sky पर, then the sand gets heated first, तो सबसे पहले जो sand होती है, अगर हम desert की बात करें तो वहाँ की जो sand होती है वो सबसे पहले heat up होती है, and then the layers of air above it, और फिर जो हमारे air में जो layers होती हैं फिर वो साथ के साथ heat up होना start होती हैं। तो means के माय रेज एक ऐसा फिनोमिना है कि जिसके थ्रू हम एलियंस क्रिएट कर सकते हैं, कि चाहे वो ऑब्जेक्ट हमसे लॉन्ग डिस्टेंस पर ही क्रिएट क्यों ना हो। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन अ पेज नंबर 118 द टॉपिक इज फिश आई व्यू। यहाँ आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा होगा कि फिश आई व्यू किस तरह से है, कि मीन्स कि जब फिश अपनी सराउंडिंग पर ऊपर देखती है तो देन उसको एक कौन फॉर्म में जो है वो अपना एरिया नजर आता है। सो फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स एंड डाइवर्स, एक्वेटिक कहते हैं वाटर, वाटर से रिलेटेड होता है ये, कि वाटर एनिमल्स एंड डाइवर्स सी अ रिफ्लेक्टेड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। ठीक है, सो व्हेन लाइट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड टू द बाउंड्री ऑफ द टू डिफरेंट मीडिया सच एज एयर एंड वाटर, कि जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है हमारी दो बाउंड्री से जो कि हैं एयर एंड वाटर, जिसमें से हमें पता है कि ये दो मीडियम होते हैं हमारे, एक होता है डेंसर मीडियम और दूसरा होता है रेयर मीडियम। सो देन आफ्टर दैट द रिफ्लेक्शन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर, तो इस तरह से जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमिना है वो क्रिएट होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 119, एंड हियर द टॉपिक इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। हियर डिस्पर्शन मीन्स द स्प्लिटिंग डिवीजन। So, the splitting of light into its components color is called dispersion of light. Means के white light का split होकर उसके different components colors में divide हो जाने को हम कहते हैं dispersion of light. And this phenomenon can be observed by using a glass prism. और इस phenomena को हम अपनी daily life में easily observe कर सकते हैं by using a glass prism. अब यहाँ आपको प्रिज्म की पिक नजर आ रही होगी कि प्रिज्म जो है वो ट्रायंगुलर शेप ग्लास होता है, जिसकी टू साइड्स जो हैं वो इंक्लाइंड फॉर्म में होती हैं, कि जब लाइट रेज जो वाइट लाइट है जब प्रिज्म में से पास आउट होती है, तो पास आउट होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सेवन कलर्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रेड, अब कलर्स कौन कौन से हो सकते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट, दीज आर द कलर्स ऑफ सेवन कलर्स विच आर प्रेजेंट इन अ स्पेक्ट्रम। द कलर्स एंटर द प्रिज्म टुगेदर बट आर बेंड एट डिफरेंट एंगल्स बाय द ग्लास, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड डिस्पर्शन एंड द रेंज ऑफ कलर्स इज कॉल्ड अ स्पेक्ट्रम। मीन्स के वो जो हमें एक पट्टी सी नजर आती है कलर्स की, उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, उस बैंड को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और ये सारे कलर्स प्रिज्म में
इकट्ठे एंटर होते हैं, बट जब ये रिफ्लेक्ट होते हैं प्रिज्म से तो देन ये डिफरेंट रेंज के साथ इफेक्ट होते हैं, एंड दीज आर द सेवन कलर्स विच आर मेंशनड हियर. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 120 एंड हियर द टॉपिक इज रेनबो फॉर्मेशन, कि रेनबो कैसे बनती है. आर रेनबो इज कॉज्ड बाय द रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट इन वाटर ड्रॉपलेट. कि रेनबो उस टाइम पर बनती है कि जब रिफ्लेक्शन हो या रिफ्रैक्शन हो या डिस्पर्शन ऑफ सनलाइट हो, और ये सारी चीज़ें जब हमारी वाटर ड्रॉपलेट के साथ रिफ्लेक्ट करती हैं, आफ्टर दैट रेनबो इज फॉर्म विच रिजल्ट इन अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. कि जिसके रिजल्ट में, रिफ्लेक्शन के रिजल्ट में हमें एक स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट मिलता है जो कि हमें स्काई पर नजर आता है इन अ फॉर्म ऑफ अ मल्टी कलर सर्कुलर आर्क. एक आर्क की फॉर्म में हमें सर्कुलर कलर बैंड नजर आता है जिसे हम रेनबो कहते हैं. एंड रेनबो कॉज बाय अ सनलाइट ऑलवेज अपीयर्स इन द पार्ट ऑफ द स्काई डायरेक्टली अपोजिट द सन. और अगर कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो तो रेनबो जो है वो सनलाइट के बिल्कुल बैक साइड पर होती है, ताकि सन का जो रिफ्लेक्शन होता है उसकी लाइट का, उसकी रिफ्लेक्शन की वजह से जो रेनबो होती है वो हमें क्लियर नजर आती है. सो दैट्स व्हाई रेनबो इज ऑलवेज बिहाइंड द सन. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 120 एंड हियर द टॉपिक इज कलर्ड लाइट. रेड, ब्लू एंड ग्रीन आर कॉल्ड द प्राइमरी कलर्स फॉर द कम्बिनेशन ऑफ कलर्ड लाइट इन टेलीविजन एंड कंप्यूटर स्क्रीन. सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्राइमरी कलर्स के बारे में बताया जा रहा है कि तीन कलर्स होते हैं प्राइमरी, रेड, ब्लू एंड ग्रीन. बाय मिक्सिंग एनी टू प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट टुगेदर वी गेट सेकेंडरी कलर्स ऑफ लाइट. और सेकेंडरी कलर्स कैसे बनते हैं, कि जब हम इन तीनों में से कोई से भी दो प्राइमरी कलर्स को अगर हम मिक्सअप करें तो देन एज अ रिजल्ट हमें सेकेंडरी कलर्स जो हैं वो मिलते हैं. लाइक कि अगर हम नीचे रूल्स को डिस्कस करें तो व्हेन रेड, ग्रीन एंड ब्लू, तीनों कलर जो प्राइमरी कलर्स हैं हमारे, इन तीनों को अगर हम ऐड करें देन आफ्टर दैट वाइट कलर इज फॉर्म. रेड एंड ग्रीन मेड अ येलो कलर, रेड एंड ब्लू मेक अ मजेंटा, एंड ग्रीन एंड ब्लू कलर मेक अ पीकॉक ब्लू. सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द पेज नंबर 122 एंड हियर द टॉपिक्स आर पिगमेंट्स एंड फिल्टर्स. तो सबसे पहले हम पिगमेंट्स को डिस्कस करते हैं कि पिगमेंट्स क्या होते हैं. केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट ओनली सर्टेन कलर्स आर कॉल्ड पिगमेंट्स. कि मीन्स के पिगमेंट्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि सिर्फ सर्टेन कलर्स को ही रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं. देयर आर थ्री प्राइमरी पिगमेंट कलर्स. तीन तरह के प्राइमरी पिगमेंट कलर्स होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो. बाय मिक्सिंग देम वी कैन प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स. लेकिन अगर हम इन कलर्स को मिक्सअप करें तो हम एक वाइड रेंज कलर्स की निकाल सकते हैं, और इस तरह से डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं. नेक्स्ट वन इज फिल्टर्स. द फिल्टर इज अ पीस ऑफ कलर ग्लास और अ प्लास्टिक. कि ये प्लास्टिक या कलर ग्लास का कोई पीस होता है कि जो अलाउ करता है कि कुछ कलर्स उसमें से पास आउट हो जाएं और कुछ को ये फिल्टर कर लेता है. फॉर एग्जाम्पल, अ रेड फिल्टर लेट्स रेड लाइट थ्रू. कि मीन्स के जो रेड फिल्टर होता है वो रेड लाइट को जो है वो पास आउट होने देता है, बट अब्जॉर्ब, लेकिन वो अब्जॉर्ब कर लेता है दूसरे कलर्स को, लाइट ग्रीन एंड ब्लू लाइट. तो इस तरह से जो उनका सेम अपना इंडिविजुअली कलर होगा उसको वो पास आउट होने देता है और डिफरेंट कलर्स को ये अब्जॉर्ब कर लेता है. दिस वन इज द फिल्टर. Okay now students, open your page number 122 and now we will do the objective of this page with the caption remember and understand. The dash is the angle of incidence. The critical angle is the angle of incidence at which the reflected ray runs parallel to the surface of the medium. Optical fibers are very thin fibers of glass through which light can pass. A dash is formed. A spectrum is formed when a narrow beam of light enters a prism and split into the colors of the rainbow. The bending of light when it passes through a prism is called reflection. Red, blue and green are called the primary colors for light. Secondary colors of light can be obtained by mixing any two primary colors. White, yellow and magenta are secondary colors. Objects appear colored because the materials they are made of
absorb some of the colors of the spectrum and reflect the rest. Okay, now students, open your winter pack and come to page number 11. And now we will do the worksheet of unit number 9. And here the question number 1 is fill in the blanks. Optical fibers are very thin fibers of glass through which light can pass. A dash is formed. A spectrum is formed when a narrow beam of light enters a prism and split into the colors of the rainbow. Dash, dash, and dash. Red, blue, and green are called the primary colors for light. Secondary colors of light can be obtained by mixing any two primary colors. White, yellow, and magenta are secondary colors. On a page number 11, now we will do the question number 2. Choose the correct answer. The bending of light waves when passing from one transparent medium to another is called reflection. When a ray of light passes from a rarer to a denser medium, it bends towards from the normal. The angle which the incident ray makes with the medium is called angle of incidence. The ratio of speed of light in air to the speed of light in a medium is called the reflective index. Very thin fibers of glass through which light can pass are called optical fibers. So dear students, now open your winter pack and come to page number 9. And now we will do the question answers of unit number 9. So the question number 5 is, write the conditions for total internal reflection. Ye already abhi humne discuss kar chuke hain hum. So there are two conditions for total internal reflection. First one, light rays travel from a denser to a rarer medium. Ke light ki jo rays hoti hain, wo denser medium se rarer medium mein travel karti hain. The angle of incidence of all the rays will be greater than the angle of their reflection. Or angle of incidence is always greater than the angle of reflection. Question number 6 says, what are the uses of optical fibers? They can be used for inspection inside machines and even inside the human body. कि अगर ह्यूमन बॉडी के इंटरनली या किसी भी मशीन के इंटरनली साइड पर कोई डिफेक्ट हो जाता है तो देन उस चीज़ को इंस्पेक्ट करने के लिए इंस्पेक्शन के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं एंड दे आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीफोन सिग्नल्स. इसके अलावा हम टेलीफोन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए भी ऑप्टिकल फाइबर्स यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट आर द यूजेज ऑफ पेरिस्कोप. A periscope is used in submarine ships and water trenches for marksmen to see their surroundings without being seen themselves. Means के periscope को submarines और ships के जो लोग होते हैं, जो पानी के अंदर रहने वाले होते हैं, वो सब periscope को use करते हैं ताकि वो अपनी surrounding पर जो है वो नजर रख सकें without being seen themselves, अपने आप को show किए बगैर. What is my rage? A mirage is an optical phenomenon that creates the illusion of water, जो कि water की illusions को जो है वो create कर सकता है, often with inverted reflection of distant object. What is dispersion of light? The splitting of light into its component colors is called dispersion of light. Means के white light का split होने के बाद उसके component colors में divide होने को हम कहते हैं dispersion of light. Okay, now move on to the question number 10. How rainbow is formed? A rainbow is caused by sunlight and atmospheric condition. Ke rainbow atmospheric condition aur sunlight ki wajah se banti hai. And light enters a water droplet slowing down and bending as it goes from air to denser water. Ke jaise hi light ki jo rays hoti hain wo water droplet par padti hain to wo air se denser medium mein enter ho jati hain. और एंटर होने के बाद द लाइट रिफ्लेक्ट ऑफ द इनसाइड ऑफ द ड्रॉपलेट और फिर ड्रॉपलेट के अंदर जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है एंड एज अ रिजल्ट सेपरेटिंग इनटू इट्स कंपोनेंट वेवलेंथ और कलर्स और फिर एज अ रिजल्ट हमें 7 कलर्स जो हैं वो नजर आने शुरू हो जाते हैं एंड व्हेन लाइट एग्जिट्स द ड्रॉपलेट और जब लाइट जो है वो ड्रॉपलेट को छोड़ देती है उसको एग्जिस्ट कर देती है तो देन इट मेक्स अ रेनबो और फिर आफ्टर दैट रेनबो क्रिएट हो जाती है. क्वेश्चन नंबर 11 इज डिफरेंशिएट बिटवीन पिगमेंट एंड फिल्टर्स. अब पिगमेंट्स और फिल्टर्स में क्या डिफरेंस है.
केमिकल्स विच रिफ्लेक्ट ओनली सर्टन कलर्स के मीन्स के वो केमिकल्स जो कि सिर्फ सर्टन कलर्स को ही रिफ्लेक्ट कर सकें उन्हें हम पिगमेंट्स कहते हैं. एंड अ पीस ऑफ कलर ग्लास और अ प्लास्टिक विच अलाउ सम कलर्स टू पास थ्रू बट फिल्टर आउट ऑल द अदर्स मीन्स के वो प्लास्टिक या कलर ग्लास का पीस जो कि कुछ कलर्स को तो पास आउट होने देता है बट कुछ कलर्स को वो फिल्टर कर देता है उसे हम फिल्टर्स कहते हैं. नाउ द कैप्शन इज आई वंडर फ्रॉम पेज नंबर 114 एंड हेयर द क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाई डज अ पेंसिल प्लेस्ड इन वाटर अपीयर टू बी ब्रोकन एज यू साइट एट द पोजिशन ऑफ द पेंसिल डेट वॉज सबमर्ज इन द वॉटर कि अगर हम पेंसिल की पोजिशन को देखें तो वो पानी के अंदर मर्ज है. लाइट ट्रेवल फ्रॉम वाटर टू एयर यहाँ पे जो लाइट है वो वाटर से एयर में ट्रेवल करेगी एंड दिस लाइट रे चेंज मीडियम और इसी वजह से उसका जो मीडियम है वो चेंज हो जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली अंडरगोज रिफ्लेक्शन और इसकी वजह से रिफ्लेक्शन क्रिएट होती है एंड एज अ रिजल्ट द इमेज ऑफ द पेंसिल अपीयर्स टू बी ब्रोकन इसी रिजल्ट के नतीजे में जो है वो हमें कह सकते हैं कि पेंसिल का जो इमेज होता है वो हमें ब्रोकन फॉर्म में नजर आता है. So dear students, now it's time for your notebook work. So get ready for your today's task. So dear students, firstly write today's task, date and day on this page. Then write the topic and the topic is unit number 9, refraction and dispersion of light. Then write the caption, short question answers. Then write the question number 5. Write the conditions for total internal reflection. After that, write its answer. Then write the question number 6. What are the uses of optical fibers? Then write the answer. Okay, dear students, now write the question number 7. What are the uses of periscope? Then write the answer. Then write the question number 8. What is mirage? After that, write its answer. Then write the question number 9. What is dispersion of light? After that, write the answer. Now write the question number 10. How rainbow is formed? Then write the answer of question number 10. Then write the question number 11. Differentiate between pigment and filters. Then write the answer in a columns. Okay, now write the caption, I wonder, page number 114. Now write the question number 12, why does a pencil placed in water appear to be broken? After that, write the answer. So dear all the students, you all will be write down these question answers on your science notebook with neat handwriting. So dear students, now it's time for your today's task and in this task what you have to do. So firstly learn highlighted points of page number 116 till 122 of unit number 9. Then learn and do objective of page number 122 on book. Learn and do worksheet of unit number 9. And at the last learn and write question number 5 till 12 on notebook. So dear students, I hope today's lesson was helpful for you and you all have understood all the points carefully. So take care of yourself. See you soon, inshallah. Till then, Allah Hafiz.